इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में, जहाँ कि आपको जैसा कि पता ही होगा कि रेमन सर्कस का आयोजन करा जा रहा है और जिसकी अवधि 25 फरवरी तक है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूँ कि इस वक्त आज की जो मेरी स्टोरी है इसको लेकर है, क्योंकि सर्कस का एक नाम जो कि कई सारी बॉलीवुड की फिल्मों में भी देखा जा चुका है, कई इसी तर्ज पर बॉलीवुड की मूवी भी बन चुकी हैं। और दूसरी चीज़, आज मैं इस मेरी स्टोरी से आपको बताऊंगा कि कितना खासा चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कानपुर जैसे एक अभी देखा जाए तो वो नॉन मेट्रोपोलियन है, उसमें भी आजकल ऐसी चीज़ें होना भी अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। और अभी मैं यहाँ के जो आयोजक हैं उनसे बात कराऊंगा और बताऊंगा क्या क्या अभी इस समय कैसा क्या चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि एक शो, अगर कोई भी इवेंट हो, उसको रन करने के लिए अपने आप में कड़ी मेहनत होती है। और सर्कस जो ऐसा नाम जो कि सदियों से चला आ रहा है, और देखना ये होगा कि सारी चीज़ें कैसे पर्दे के पीछे कितनी कड़ी मेहनत लगती है। फिर आपसे मैं कलाकारों से भी मुलाकात कराऊंगा, आपको पता चलेगा कि आज कितनी भी जैसे कोई मूवी शूट होती है तो कितने टेक्स लेने पड़ते हैं। चलिए मैं अभी आपको सीधा रुक कराता हूँ यहाँ के आयोजक जो देख रहे हैं पूरा, रजा खान उनका नाम है, और वो आपको बताएंगे क्या क्या खास है उनके सर्कस में और कानपुर वाले इस जो सीमित अवधि है उस अवधि तक कैसे इस सर्कस का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए मैं आपको सीधे रुक कराता हूँ रजा खान जी से।